अगर विचार करें आप अपने हृदय चित्त में धारण करें कि हो सकता है कि मेरा कर्जा कोई उतार दे, 10-20 लाख रुपए कोई मुझे दे दे और मेरा कर्जा मुझे चुका दे, ऐसा कोई मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे सगे भी जितने अपने होंगे वो भी तुमको कर्जा चुकाने के लिए कुछ देने वाले नहीं होंगे। और यहाँ जितने बैठे हैं इन्होंने बहुत बहुत धक्के खाए होंगे, ऐसा नहीं कि कथा केवल महाराज जी कह दिए और आप लोगों ने श्रवण कर लिया, आपने अपनी जिंदगी में भी उतारा होगा। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, रोग की घड़ी में, हमारे जीवन के दुख तकलीफ कष्ट कर्ज या मर्ज के समय पर हमने पूरे परिवार कुटुंब कबीले नातेदार रिश्तेदार अपनों से बात भी करी पर कोई साथ देने वाला नहीं था। आखिरी में अपन ने छोड़ दिया और परमात्मा पर छोड़ा, तब परमात्मा ने साथ देकर वो कार्य सफल कर। यहां जितने मिलेंगे कोई साथ देने वाला नहीं है, कर्ज में और मर्ज में साथ देने वाला अगर मिलेगा तो मेरा महाकाल बाबा, मेरा काल अधिपति, मेरा महाकालेश्वर, मेरा कुबेर भंडारी ही मिलेगा, दूसरा कोई साथ देने वाला नहीं है। आप जब तक किसी को खिला रहे हो, आप जब तक किसी को कुछ दे रहे हो, तब तक दुनिया के लोग आपका नाम ले रहे हैं, और जिस दिन आपने देना बंद कर दिया, जिस दिन कुछ प्रदान करना बंद कर दिया, दुनिया के लोग आपका नाम लेना भी बंद कर दे। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार, हमने झूठे रिश्ते झूठे नाते झूठे रिश्ते झूठा है संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये जितने अपने मिलेंगे, जितने संसार सागर को मिलेंगे, जितने हमको नजर आएंगे, ये सब कहीं ना कहीं हमें लूटने वाले दिखेंगे। आया समय अगर दुख की घड़ी है, तकलीफ की घड़ी है, कष्ट की घड़ी है, कहीं अगर अच्छा खासा चल रहा था फिर काहे उसने फिर कर दिया बर्बाद। जब दुख की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, तब धक्के खाने के बाद कोई नजर आए ना, कोई दिखे ना दिखे, उस समय पर केवल एक नजर आता है जिसको तुमने एक लोटा जल समर्पित करा है, जिसकी तुमने पूजन करी है, जिसकी तुमने आराधना करी है, जिसका तुमने भजन किया है, बस वही सामने नजर आएगा, वही तुम्हारे सम्मुख में दिखेगा, वही तुम्हारे सामने दिखेगा, उसके सिवाय कोई तुमको नजर नहीं आएगा। आप कितने बड़े तेरक हो, आप कितने बड़े तैरने वाले हो, आप कितने बड़े भी तेरक हो, आप कितने बड़े भी गोताखोर हो, आप कितने बड़े भी तेरक क्यों ना हो महाराज, और कितने बड़े भी गोताखोर क्यों ना हो, पर महासागर की लहरों से आप बाहर नहीं निकल सकते, महासागर की लहरों से आप निकल नहीं पाओगे। आप कितने बड़े भी गोताखोर बन जाओ, आप कितने बड़े भी तेरक बन जाओ, महासागर के उस लहरों में अगर एक बार फंस गए तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब उस महासागर से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा जाता है और उस हेलीकॉप्टर से रस्सी को नीचे लटकाया जाता है और लटकाकर उस फंसे हुए व्यक्ति को महासागर से बाहर निकाला जाता है। जैसे महासागर में अच्छा अच्छा तेरक अच्छा अच्छा गोताखोर भी फंस जाता है और वो बिना हेलीकॉप्टर के निकल नहीं पाता है, उसी तरह संसार सागर में आने के बाद अच्छे से अच्छा विद्वान भी फंस जाता है और शंकर के भजन से वो पार उतर जाता है। ऐसा नहीं कि संसार सागर में आने के बाद आप फंसोगे नहीं, संसार सागर में जन्म लेने के बाद आप उसमें समाहित नहीं होगे, फंसोगे नहीं, इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद ऐसा कोई मानव जन्मा ही नहीं जो ना फंसा। इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद ऐसा कोई मानव है ही नहीं जो फंस ना पाया हो। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है,
शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कह रही है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है कि जैसे महासागर में अच्छा अच्छा गोताखोर भी फंस जाता है, अच्छा अच्छा तैरक भी फंस जाता है, तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से रस्सी डालकर बाहर निकाल लिया जाता है, उसी तरह से जब हम संसार सागर में, दुखों के सागर में कहीं फंस रहे हो, उस समय पर तुम्हें कोई याद आए ना आए, उस समय पर तुम महादेव का अगर स्मरण कर रहे हो, शंभू का स्मरण कर रहे हो, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, दो अक्षर का मंत्र राम, ढाई अक्षर का मंत्र कृष्ण और द्वादश अक्षर का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कर रहे हो, तो निश्चित है कि आप उस भव सागर से, संसार सागर से कुछ पार उतर सकते हो, आप दूर जा सकते हो। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। आज जितना सुख हम भोग रहे हैं ये परमात्मा की कृपा से हमने जो पूर्व में करा होगा, इसलिए अच्छा घर मिल गया, हमने पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा, अच्छा पति मिल गया, पूर्व में हमने कुछ अच्छा करा होगा, अच्छी पत्नी मिल गई, पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा, अच्छे बच्चे मिल गए, पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा तो अच्छा परिवार मिल गया, पूर्व में कोई अच्छा करा होगा तो हमारा सनातन हिंदू धर्म मिल गया, और पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा तो शिव महापुराण की कथा। ये सनातन हिंदू धर्म भी ऐसे ही नहीं मिल जाता, हजारों हजारों जन्म, कौटी कौटी जन्म हमारे निकल गए होंगे। स्वयं शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती सुनो, मेरा भजन करने वाला संसार सागर में ऐसे ही जन्म नहीं लेता, मेरी कथा सुनने वाला संसार सागर में ऐसी जन्म नहीं लेता, मेरे मंदिर में आने वाला संसार सागर में ऐसी जन्म नहीं लेता, मेरा मंत्र जाप करने वाला संसार सागर में ऐसे ही जन्म नहीं लेता। सुनो पार्वती, 84 लाख योनियां जब वो काटता है, प्रत्येक योनि में मेरा स्मरण करता है, तब जाकर कुछ अच्छा करते करते सनातन हिंदू धर्म में उसका जन्म होता है, तब जाकर वो भगवान का भजन कर पाता है, तब जाकर वो शिव की स्तुति कर पाता है। और सुनो पार्वती, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें शिव नहीं, सुनो पार्वती, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिस धर्म में लोग कहते हैं हम मंदिर नहीं जाते, जिस धर्म में लोग कहते हैं हम शंकर जी को नहीं मानते, जिस धर्म में लोग कहते हैं हम मूर्ति की पूजन नहीं करते, जिस धर्म में लोग कहते हैं हम देवालय शिवालय तीर्थ नहीं जाते, हम आपके धर्म को नहीं मानते, शिव महापुराण की कथा कहती है इनके पूर्वजों को उठाकर देख लेना, ये आज भी शंकर की पूजन करते हैं और कल भी करते रहेंगे, शिव के बिना इनकी मुक्ति नहीं, शिव के बिना इनका मोक्ष नहीं है, शंकर के बिना इनका उद्धार नहीं है। शिव के बिना किसकी मुक्ति? एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, आपको अगर मान लो मरने के बाद शमशान में छोड़कर आ गए, और शमशान में छोड़कर आने के बाद में आपके साथ में कौन है? जिंदा हो जब तक तो आपके साथ में आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, दादा है, दादी है, पोता है, पोती है, कुटुंब है, कबीला है।